और दोस्तों आज हमारा सेंचुरी हो गई है, क्वेश्चन नंबर 100 है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का। जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा गया था 2016 में। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज रिड्यूस्ड मास 8.35 इंटू 10^-28 किलोग्राम। जो रिड्यूस्ड मास है वो हमें दे रखा है 8.35 × 10^-28 किलोग्राम, ठीक है। इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें दे रखी है 0.742 × 10^-10 मीटर। द रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर जी, तो रोटेशनल एनर्जी पूछा है, तो रोटेशनल एनर्जी होती क्या है? रोटेशनल एनर्जी हमारे पास ये होती है, ठीक है, समझ में आया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो रफली आंसर हमारा देखो क्या होगा। जे माइनस वन है ये नहीं हो सकता, जे माइनस वन ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही आंसर होगा। तो अब बी का वैल्यू पता कर लो, तो बी का वैल्यू हमारे पास देखो क्या होगा, तो हम बी वैल्यू यहाँ रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो हमारे पास बी का वैल्यू, अब देखो हमें ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो बी भी हम जूल में लेंगे फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेंगे। बी को मैं अब यहाँ पर ना वेव नंबर के टर्म्स में नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर 8π² I ये हमारे पास जूल की टर्म्स में आ जाएगा, फिर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लूँगा। तो 6.626 × 10^-34 पर से स्क्वायर हो गया, 8 × 3.14 का स्क्वायर। I क्या होता है? mr², ठीक है, m हमें दे ही रखा है 8.35 × 10^-28 मल्टीप्लाई में r का स्क्वायर यानी 0.742 × 10^-20, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, अब बच्चे नहीं हो, स्पून फीडिंग तो मैं देखो कराऊंगा नहीं, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको क्या मिलेगा, एग्ज़ाम में भी आपको कैलकुलेटर मिलेगा स्क्रीन पर। तो बी 0.121 × 10^-20 जूल आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब बदलेंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1.6 × 10^-19 से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आइया ये बनेगा, इसको जब हम इसे डिवाइड करेंगे 0.0756 × 10^-1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूँ 7.56 × 10^ देखो ये 10^-2 हो जाएगा, 10^-1 ऑलरेडी है, तो ये कितना बन गया 10^-3, तो इसको लिख सकते हैं 7.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बी का वैल्यू जो है ना रफली 7 के पास है, किसके पास है, रफली 7 के आसपास है, तो मैं ये रफली 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बनेगा यहाँ 7J+1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।